बिहार की राजधानी पटना के रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देख सभी यात्रियों की नजरें शर्म के मारे झुक गई। बता दें कि यहां स्टेशन पर लगी एलईडी स्क्रीन पर अचानक एक अडल्ट पॉर्न वीडियो चलने लगा। शर्मिंदगी की बात यह है कि ये वीडियो करीब 3 मिनट तक यूं ही चलता रहा। इस मामले में यात्रियों ने शिकायत दर्ज कराई जिस पर भारतीय रेलवे ने सख्त एक्शन लिया। बता दें कि एलईडी स्क्रीन पर अश्लील वीडियो चलने के चलते लोग असहज हो गए। स्टेशन पर मौजूद महिलाओं के लिए शर्मसार करने वाली ये घटना थी। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात ये रही कि वीडियो करीब 3 मिनट तक यूं ही चलता रहा। जब शिकायत की गई तो उसके बाद ये पॉर्न वीडियो बंद हुआ। लोग इस पर अब सवाल उठा रहे हैं कि शिकायत ना होती तो ये वीडियो कब तक यूं ही चलता रहता। साथ ही सवाल ये भी उठता है कि रेलवे स्टेशन की टीवी पर कैसे चली अश्लील फिल्म। दरअसल बताया जा रहा है कि पटना जंक्शन के जिस टीवी सेट पर यह अश्लील वीडियो टेलीकास्ट हुआ उस पर एडवर्टीजमेंट से जुड़ा कोई वीडियो चलाया जाना था। दत्ता कम्युनिकेशन एजेंसी को इस टीवी स्क्रीन पर सूचना देने और वीडियो दिखाने की जिम्मेदारी थी। शुरुआती जांच में पता चला कि इसी कंपनी को ये वीडियो प्ले करना था। हालांकि उसके कर्मी पॉर्न फिल्म देख रहे थे, जल्दबाजी में उनसे वही अश्लील क्लिप इस वीडियो स्क्रीन पर प्ले हो गया। वही पटना जंक्शन के टीवी सेट पर जैसे ही ये वीडियो चला, यहाँ बैठे पैसेंजर सभी चौंक गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिरकार वे क्या करें। इधर पटना जंक्शन के संबंधित अधिकारियों को जैसे इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने आरपीएफ और जीआरपीएफ के जरिए तुरंत इस वीडियो को रुकवाया। तत्काल संबंधित एजेंसी को फोन कर इस संबंध में जानकारी ली गई। वहीं फिर आरपीएफ ने ही दानापुर रेल डिवीजन के अफसरों को इस मामले की सूचना दी। साथ ही संबंधित एजेंसियां दत्ता कम्युनिकेशन के खिलाफ एक्शन का फैसला लिया गया। इसके ऑपरेटर और संबंधित स्टाफ के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि मौजूदा जानकारी के मुताबिक अश्लील क्लिप सिर्फ प्लेटफॉर्म 10 के टीवी सेट पर ही प्ले हुई। हालांकि लापरवाही का मामला है, ऐसा इसलिए क्योंकि रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह होती है जहां बड़े बूढ़े बच्चे महिलाएं हर उम्र के लोग वहां होते हैं। ऐसी जगह पर इस तरह का घटनाक्रम बेहद ज्यादा चौंकाने वाला था। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है रेलवे स्टेशन को लेकर, तो अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे जनहित टाइम्स के साथ।